एब्जॉर्प्शन और दूसरे को नाम देते हैं कैरियर इंडिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन। पिछले वीडियो में उन्होंने क्या स्टडी किया कैरियर इंडिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में, और जो कैरियर इंडिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो कैरियर इंडिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन को दो टाइप डिवाइड किया डिस्कस किया था। नंबर वन वाज द पैसिव डिफ्यूजन एंड नंबर टू इज द पोर ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर डिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। कैरियर डिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी करने से पहले थोड़ा सा कुछ और पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फूड इंजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं। ये थ्री टाइप्स के फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर गई एब्जॉर्ब हुई सॉरी बॉडी के अंदर गई डाइजेस्ट हुई, डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो लास्ट प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ, दैट इज द सैकेराइड्स। ठीक इस तरह से प्रोटीन की डाइजेशन होती है, डाइजेशन होने के बाद वो क्या लास्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द एमिनो एसिड्स। अब ये दोनों चीजें सैकेराइड्स हो या एमिनो एसिड्स हो वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जीआईटी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। पैसिव डिफ्यूजन उन्होंने स्टडी किया था कि जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है दो चीजों पे, नंबर वन इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे और नंबर टू इज देयर पार्टीशन कोएफिशिएंट पे, मींस उसका कितना पार्ट वाटर में सॉल्युबल है, कितना पार्ट ऑयल में सॉल्युबल है। जितना ज्यादा ऑयल के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा उसके अंदर लिपोफिलिसिटी होगी, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट होगा। अब हम ड्रग छोड़ते हैं, अपने अपने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो एमिनो एसिड्स हैं या जो सैकेराइड्स हैं ये एक्वस सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं और इनकी भी एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में हो रही है। हम ये भी देखते हैं कि जब इन हम पैसिव डिफ्यूजन की जो इक्वेशंस थी उसके थ्रू हम इनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकाले, हम क्या पाते हैं कि इनकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है जो प्रेडिक्टेड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा उससे बहुत ज्यादा फास्ट है। मीन्स कि हमने जो कैलकुलेट करेंगे हम पैसिव डिफ्यूजन के इक्वेशंस के द्वारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो हम क्या देखते हैं कि इनकी एब्जॉर्प्शन उससे मैच नहीं हो रही है, इनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है मच फास्टर है देन कंपेयर टू आवर कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड तक पहुंचाती हैं, ब्लड तक ले जाती हैं जहां से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हमने वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्यों कौन सा नाम लिया, जैसे कोई भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हमारे सैकेराइड्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, इन सारी की सारी जो एब्जॉर्प्शन होंगी वो देखा क्या जाता है कि एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा है। और वो जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे कोई एक स्पेसिफिक कैरियर है, वो कैरियर उन न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है और सेल मेम्ब्रेन के एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक लेके जा रहा है। और चूंकि यहाँ पे कैरियर इन्वॉल्व हो गया तो हम लोगों ने क्या नाम दिया कि ये जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है दैट इज द कैरियर डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, और हम कह सकते हैं कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो कैरियर्स हैं, इस कैरियर्स की अपनी कुछ खासियत होती हैं, कुछ इनकी अपनी एक स्पेसिफिक नेचर होती है। वो नेचर क्या है उसमें वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो कैरियर होंगे वो एक स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होंगे, मींस जिस मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, जिस सैकेराइड्स के साथ, जिस एमिनो एसिड्स के साथ इनकी एफिनिटी होगी वो एक स्ट्रक्चरल एफिनिटी होगी। स्ट्रक्चरल एफिनिटी मतलब सपोज करो कि एमिनो एसिड्स की कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और हमारी एक कैरियर होगा वो सिर्फ उन्हीं एमिनो एसिड्स के साथ कंबाइन करेंगी, सैकेराइड्स के साथ कंबाइन नहीं करेंगी। यदि कोई कैरियर है जो सैकेराइड्स के केमिकल स्ट्रक्चर के साथ उसका एफिनिटी है तो वो कैरियर हमारे सिर्फ सैकेराइड्स के साथ कंबाइन करेंगी, एमिनो एसिड साथ कंबाइन नहीं करेंगी। मींस जो कैरियर होगा इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, और स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि केमिकल स्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन नेचर, उनका वो एक खास केमिकल स्ट्रक्चर के साथ उनकी एफिनिटी होगी और उन मैक्रोन्यूट्रिएंट का को ये एब्जॉर्ब करवाएंगे जीआईटी से और ब्लड तक पहुंचाएंगे। अब यदि सपोज करें कि हमारे पास कोई ड्रग है
और उस ड्रग मॉलिक्यूल के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी सिमिलरिटी है किसी एमिनो एसिड के साथ जो कैरियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो क्या होगा उस कंडीशन में कि ये कैरियर उस ड्रग के साथ भी अपनी एफिनिटी को डेवलप कर लेगा क्योंकि उस एमिनो एसिड के साथ इसके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी सिमिलर है। यदि सपोज करें हमारे पास कोई ड्रग है उसकी स्ट्रक्चरल एफिनिटी किसी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी किसी विटामिन के साथ है, कोई ड्रग है उसके स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी किसी सैकेराइड्स के साथ है, तो उनके लिए जो स्पेसिफिक कैरियर होगा उनके साथ ये ड्रग भी अटैच हो जाएगा और ये ड्रग भी हमारे सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम अब यहां पे इसका नाम क्या देंगे कि कैरियर डिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन। पहले उन्होंने क्या कहा, कैरियर डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन, वो किसके लिए था, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरियर डिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ये किसके लिए हो गया, हमारे एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए। अब जो यहां पे जो ड्रग है उस ड्रग हम कह सकते हैं कि इट बिहेव्स लाइक ए फॉल्स न्यूट्रिएंट। फॉल्स न्यूट्रिएंट मींस कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी तो है बट इट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूट्रिएंट, कि जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये आप समझने में हमने इसे क्या नाम दिया, इट इज ए फॉल्स न्यूट्रिएंट। अब ये जो फॉल्स न्यूट्रिएंट है वो आसानी से कैरियर के साथ कंबाइन हो जाएंगी और वो कैरियर के साथ उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर। अब ये जो कैरियर मेडिएटेड ड्रग एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, इस कैरियर की अपनी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहले हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जो कैरियर के अंदर पाई जाएंगी। सबसे पहला हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि ये स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक नेचर होगा, मींस कि स्ट्रक्चरल किसी न्यूट्रिएंट का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा उसी के साथ इसकी एफिनिटी होगी। और यदि वहां पे कोई फॉल्स न्यूट्रिएंट आ गया, फॉल्स न्यूट्रिएंट मींस कि जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी उस न्यूट्रिएंट के साथ है तो उसकी भी एब्जॉर्प्शन कैरियर के थ्रू हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा जाए कि यहां पे अब ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होंगे। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो गया कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो कैरियर के साथ कंबाइन कर लेगा। सपोज करें कि न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज्यादा है तो न्यूट्रिएंट कैरियर के साथ कंबाइन करेगा, और यदि वहां पे ड्रग का अमाउंट ज्यादा है, ड्रग मीन्स जो फॉल्स न्यूट्रिएंट है, ड्रग का उन्होंने यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉल्स न्यूट्रिएंट, यदि फॉल्स न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज्यादा है तो वो फॉल्स न्यूट्रिएंट कैरियर के साथ कंबाइन कर लेगा और उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। मीन्स जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी उस न्यूट्रिएंट या उस फॉल्स न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट होगा, उतना ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि जो कैरियर्स के नंबर है वो लिमिटेड नंबर्स है। लिमिटेड नंबर्स मीन्स कि वहां पे कोई 10, 100, 2000 कुछ लगभग एक लिमिट होगा, उतने ही कैरियर्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे कैरियर की ऑक्यूपेंसी रेट भी इंक्रीज होती जाएगी और उसके अनुसार रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि सारा का सारा जो कैरियर है वो ऑक्यूपाइड हो गए, वो इंगेज हो गए इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉल्स न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट, कि उनको एब्जॉर्ब करने में वो बिजी हो गए। अब यदि हम फर्दर हम उस ड्रग की या उस फॉल्स न्यूट्रिएंट की या उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा, वहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगी, और जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगी हम कहेंगे इट इज ए सैचुरेबल प्रोसेस। अब याद कीजिए कि हम लोगों ने पैसिव डिफ्यूजन क्या कहा था कि इट इज अनसैचुरेबल प्रोसेस, मतलब कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है, इस कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि इट इज सैचुरेबल प्रोसेस। सैचुरेबल प्रोसेस मीन्स कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद हम फर्दर यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगी। अब जब सैचुरेबल प्रोसेस की बात होती है तो क्या हम लोग और वहां पर क्या स्टडी किया था कि वहां पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक जो फर्स्ट ऑर्डर का वहां पे फॉलो कर रहा है।
यहां पर क्या होगा कि ये मिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करेगा, जो रेट वहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, यहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करेगा। मीन्स कि जब तक सेचुरेबल पॉइंट नहीं आएंगे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और जब जैसे ही सेचुरेशन पहुंच गई वो क्या हो जाएगा, वो इट विल बी चेंज टू द जीरो ऑर्डर। मीन्स यहाँ पे मिक्स्ड ऑर्डर के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है और वहां पर क्या है फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे कैरियर इन्वॉल्व है, कैरियर इन्वॉल्व है मतलब कैरियर मूव हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब चूंकि कैरियर मूव हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो उस कंडीशन में एक एनर्जी की भी आवश्यकता होगी। खैर चलिए एनर्जी की बात हम बाद में करेंगे। अब हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, सबसे नंबर वन कि ये एक जो कैरियर है वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होंगी, स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक इन नेचर होगा। नंबर टू कि जो कैरियर होगा वहां पे कंपेटिटिव एब्जॉर्प्शन होंगी। नंबर थ्री कि जो एब्जॉर्प्शन होंगी वो सेचुरेबल इन नेचर होंगी, जो पहले ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगी और बाद में ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करेंगी। जैसे बहुत सारे विटामिन है, विटामिन B1, B2, B12 या बहुत सारे ऐसे ड्रग है, उनका एब्जॉर्प्शन इसके थ्रू होता है। अब यहाँ पे एक जानने के पॉइंट है कि सपोज करें कि हम किसी भी ड्रग का डोज, जैसे विटामिन B1 का डोज है, हमने उतना ड्रग बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, धीरे धीरे वो सेचुरेबल पॉइंट पे आ गया, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन यदि हमने ओवरडोज किया तो उस ओवरडोज का कोई फायदा हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक सेचुरेबल प्रोसेस है और जितना अमाउंट के एब्जॉर्ब होना था उसी रेट से एब्जॉर्ब होती रहेंगी, जो एक्सेस अमाउंट होंगी वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगी, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मीन्स यदि हमारे पास कोई विटामिन कैप्सूल है और वहां पर एक्सेस डोज वहां पर या एक्सेस अमाउंट उसके अंदर इंग्रेडिएंट के रूप में डाला गया है तो उस एक्सेस अमाउंट डालने का कोई मकसद या कोई पर्पस या कोई फायदा या कोई एडवांटेजेस नहीं है, दैट इज ओनली वेस्टेज ऑफ द विटामिन। अब क्या कहा जा रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हम लोग ने जान लिया वो कैरियर के थ्रू होती है। अब जीआईटी में क्या होगा कि कुछ पार्ट स्पेशली इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन का कुछ एरिया होगा जहां पे कैरियर्स के नंबर बहुत ज्यादा होंगे और वहां से उनकी उस तरह के ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होती है, तो उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं, इट इज द एब्जॉर्प्शन विंडो। इंटेस्टाइन का वो एरिया जहां पे कैरियर का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा उस एरिया से उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा और उस एरिया को हम नाम देंगे इट इज द एब्जॉर्प्शन विंडो। अब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई क्या किस चीज की, तो कैरियर डिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन। फिर से कर लेते हैं समराइज, बहुत इजी है। सबसे पहला क्या कहा गया कि जो कैरियर है वो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक इन नेचर है और वो केमिकल स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक इन नेचर है और सिर्फ उसी तरह के कंपोनेंट को अपने साथ कंबाइन करेंगी। दूसरा कि जो ये एब्जॉर्प्शन होंगी जो कंबाइन करेंगी इट विल बी कंपेटिटिव इन नेचर, मीन्स जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। तीसरा कि रेट ऑफ जैसे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद हम फर्दर से कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, मीन्स इट इज ए सेचुरेबल प्रोसेस। और ये जो सेचुरेबल प्रोसेस है वो मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, पहले ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा और बाद में वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। बहुत से विटामिन जैसे B1, B2, B12 उनकी एब्जॉर्प्शन इसी कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है और इससे क्लियर हो गया कि यदि हम एक्सेस डोज देंगे ड्रग का विटामिन का तो वो एक्सेस डोज हमारे लिए वेस्ट है, यूजलेस है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी। और लास्ट पॉइंट क्या हो गया कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एरिया होगा जिस एरिया में कैरियर्स के नंबर बहुत ज्यादा होंगे और उस एरिया को हम नाम कह देते हैं इट इज द एब्जॉर्प्शन विंडो, और ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हमारे कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की या कैरियर मेडिएटेड ड्रग एब्जॉर्प्शन की। अब हम लोग जानेंगे कि कैरियर मेडिएटेड ड्रग एब्जॉर्प्शन कितने तरह की होती है, वेरियस टाइप्स हैं कैरियर एब्जॉर्प्शन। जैसे हम क्या नाम देते हैं, मेनली वैसे तो दो ही टाइप है जो कैरियर डिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन है। नंबर वन इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड नंबर टू इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके अलावा और भी तीन मेथड्स हैं
उनका नाम है आयोनिक ट्रांसपोर्ट या आयोनिक डिफ्यूजन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। मीन जो कैरियर डिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो हम लोग फाइव कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर वन इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नंबर टू इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर थ्री इज द आयोनिक डिफ्यूजन, नंबर फोर इज द आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड नंबर फिफ्थ इज द एंडोसाइटोसिस। लेकिन जो मेन है वो मेन टू है, नंबर वन इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड नंबर टू इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम लोगों ने समझ लिया कि कैरियर डिपेंडेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है और कैसे ये अपना वो काम करता है। अब आ जाए हम सबसे पहला पॉइंट जो है, दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि हमने क्या नाम दिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन में क्या होगा कि ड्रग विल मूव फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, और वो क्या होगा कि कैरियर इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इट इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, कैरियर डिपेंडेंट के अंदर। अब कंफ्यूजन क्या है कि जब ये डिफ्यूजन है तो ड्रग अपने आप ही मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो ये कैरियर डिपेंडेंट में कैसे आया, इस चीज को सबसे पहले क्लियरिफाई करें। सबसे पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नो डाउट डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। और फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड मतलब कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम उस डिफ्यूजन प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर दे रहा है, उस रेट को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ड्रग के रेट के एब्जॉर्प्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तब हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहा है जो ड्रग को मूव कर रहा है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर एक कैरियर सिस्टम भी होगी जो कैरियर सिस्टम इस डिफ्यूजन को और ज्यादा फैसिलिटेट कर देगा और ज्यादा एक्टिव कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, डायग्राम देखिए कि हमारे पास ये विटामिन B12 है और ये हमारे एक IF लिखा होगा, मतलब क्या हुआ, इंट्रिंजिक फैक्टर है, ये एक कैरियर हो गया या इंट्रिंजिक फैक्टर है, ये दोनों मिलेंगी और ये कहां जाएंगी, कैसे कंबाइन कर लेंगी, कैरियर के साथ। अब ये कैरियर जब कंबाइन हो गई तो यहां पे क्या बन गया, कैरियर कॉम्प्लेक्स, ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स। ये ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स मूव हुआ, यहां पे आया, इनको रिलीज किया और फिर ये कैरियर यहां पे आ गई और यहां पे ये दूसरे से कंबाइन करेंगी। इस तरह से ड्रग मूव करेगी फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हमारी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गई। अब देखिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होगी। सबसे पहला कहेंगे कि डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट मतलब कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नीचे की तरफ जा रही है, हिल है और हिल के नीचे तरफ जा रही है। जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो यहां पर हमें किसी भी एनर्जी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जो ये रेट होगा वो रेट फास्टर होगा कंपेयर टू द पैसिव डिफ्यूजन। कैरेक्टरिस्टिक वापस से देख लेते हैं। नंबर वन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्रग विल मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी मच फास्टर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द पैसिव डिफ्यूजन। क्लियर? एंड इट इज ए एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, बिकॉज ड्रग इज मूविंग फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द डाउन हिल ट्रांसपोर्ट मेथड या डाउन हिल मूवमेंट, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। अब देखिए, यदि सपोज करें कि कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमारे बॉडी को एनर्जी इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ रही है, तो यहां पे क्या होगा कि हमारे बॉडी में सपोज करें कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट आ गया, कोई मेटाबॉलिक टॉक्सिक आ गई। मेटाबॉलिक टॉक्सिक मीन्स कि जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर रहा है। अब जब वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होंगी, और ये जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होंगी तो जो कैरियर डिपेंडेंट था, जो एनर्जी डिपेंडेंट भी होती हैं, तो वहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी।
लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ड्रग इज मूविंग फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. मीन्स यदि हमारे बॉडी में किसी तरह की कोई मेटेलिक पॉइजनिंग हो गई या हमारी तरह से कोई मेटाबॉलिक पॉइजनिंग हो गई और उस मेटाबॉलिक पॉइजनिंग चलते हुए एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करेगा. आप इसके एब्जॉर्प्शन कैसे की एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी होती है तो आरबीसी के अंदर जो ग्लूकोज एंटर कर रहा होता है तो वो जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है इनसाइड द आरबीसी वो किसके द्वारा होता है, बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. विटामिन बी वन विटामिन बी टू जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है उनका एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, दैट इज बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. हम सभी को मालूम है कि बी वन बी टू क्या है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, वहां पे वो पैसिव डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आती है लेकिन यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो वहां पे इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएंगे. विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर होगा उसका कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी थोड़ा कैरियर, तो दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी उसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व है. इन्वॉल्व होना मतलब कि हमारी बॉडी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है. पैसिव में हमने कहा था कि वहां पर एनर्जी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर रही थी, इससे उसका क्या नाम दिया गया था, पैसिव डिफ्यूजन. लेकिन यहां पर क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मीन्स यहां पर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अब जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, तो बाय द कैरियर, कैरियर के थ्रू हो रहा है. अब वो जो कैरियर है सर, ये एग्जांपल, ये हमारे डायग्राम है हमारी, दैट इज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन का. हमारे पास पहले हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे. ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ये ड्रग मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होंगे कैरियर के साथ कंबाइन करेंगे, कैरियर के साथ कंबाइन करने के बाद ये मूव करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करेंगे, सेल मेम्ब्रेन मूव करने के बाद ये दूसरे सरफेस पे आएंगे, जैसे ही दूसरे सरफेस पे आएंगे वो ड्रग को रिलीज कर देंगे. ये ड्रग है, देख लीजिए शेडेड है, ये क्या है हमारी ड्रग है, ये शेडेड ड्रग रिलीज होंगे. अब यहाँ पे ये कैरियर है, डॉट डॉट कैरियर, डॉट डॉट कैरियर है, ये कैरियर फिर मूव होंगी और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आकर ये फिर ये दूसरे से कंबाइन करेंगे और इस तरह से ये साइक्लिंग की चलती रहेंगे और इसे कहेंगे लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. फैसिलिटेटेड भी क्या कहा गया था कि डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कैरियर इसमें भी इन्वॉल्व है, कैरियर इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे मूव हो रही है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जबकि इसके अंदर क्या मूव होगा, फ्रॉम इट मे बी फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. अब जब ड्रग मूव हो रही है फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसका हम नाम देंगे अप हिल ट्रांसपोर्ट. इसका हमने क्या नाम दिया, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन थी पैसिव डिफ्यूजन, क्या वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, जहां भी वॉल डिफ्यूजन आ जाए मतलब क्या होगा, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट इज ऑल्सो ए डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये अप हिल ट्रांसपोर्ट. मीन्स लोअर से किधर भी जाना है, हायर साइड. और जब ये लोअर से हायर साइड को जाएगा तो क्या होगा, इसको एक एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, बॉडी को एनर्जी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बॉडी का एनर्जी यहां पर यूज होगा. मींस क्या हो गया, इट इज ए एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. अब क्या कहा जा रहा है, यहां पे कैरियर है, कैरियर इन्वॉल्व है, कैरियर इन्वॉल्व है सर, इट इज ऑल्सो अ सैचुरेबल प्रोसेस, यह एक सैचुरेबल प्रोसेस है. यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक पॉइजनिंग हो गई तो वहां पर क्या होगा, बॉडी का एनर्जी कम हो जाएंगी, और जब बॉडी की एनर्जी कम हो जाएंगी तो ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा. अब बॉडी के अंदर जैसे जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं, सोडियम पोटासियम कैल्शियम आयरन ग्लूकोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह होता है. सभी को मालूम है कि सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन बॉडी में बहुत फास्टली एब्जॉर्ब होती है, तो जो फास्टली एब्जॉर्ब हो रही है किसके तरह हो रही है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. और कोई भी ड्रग जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इनके साथ होती है वो ड्रग भी इस मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती. तो उन्होंने कैप्चर किया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज ए अप हिल ट्रांसपोर्ट,
molecule will move from the low concentration to high concentration. It depends upon the, it is a carrier dependent process and it is also an energy dependent process. तो आज हम लोग इतना ही रह जाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. जो बाकी जो तीन बच गई, आयनिक पेयर, आयनिक डिफ्यूजन, आयन पेयर एंड एंडोसाइटोसिस, को लोग अगले क्लास में करेंगे. इसको करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन. हमारे पास कैरियर इंडिपेंडेंट का ग्राफ है और ये कैरियर डिपेंडेंट का ग्राफ है. कैरियर बेसिक डिफ्यूजन मींस क्या हो गया, कैरियर इंडिपेंडेंट. जैसे जैसे हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ड्रग के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ